मैं गोपाल आपका माई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं और शिवम मिलकर ये मॉक टेस्ट बना रहे हैं और दोनों ही एक्सपीरियंस्ड है इस वर्टिकल को लेकर, तो जो जिसने भी लास्ट संडे को ये टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा, जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट होंगे, उन्हें पता चला होगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट। एंड जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि प्लीज़, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है और मानना भी है कि स्टार्ट से आगे ना, मतलब जब आओगे आप इस लाइन में तो आप भटक जाते हो। कुछ टीचर्स, कुछ ऑफलाइन टीचर्स अपनी मार्केट के चक्कर में ना आपका डे बाई डे शोषण करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसी में फंस जाओगे। 8 महीने में इंग्लिश होती है, 15 महीने में मैथ होती है, और 2-3 साल आपके कब चले जाएंगे ना, सीरियसली आप नहीं जान पाओगे। आफ्टर 2 एंड 3 ईयर्स आप रियलाइज करोगे कि मैं गलत कर रहा था। तो ये टेस्ट आपको एक्चुअली सीजीएल के लिए पढ़ना क्या है ये गाइड करेगा। रिलेवेंट क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप पूरे मॉक टेस्ट जितना कि हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और कंटिन्यू देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट नोट्स क्लियर हो जाएगा कि हमें कहाँ तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, जो कि एक फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और एक्सपीरियंस स्टूडेंटों को मैं बता रहा हूँ, इतना कर लो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और कहीं से एक्स्ट्रा आपको कोई भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि हमने तय किया था कि हम लोग संडे और वेडनेसडे को ये टेस्ट लाएंगे, तो संडे का टेस्ट बहुत अच्छा रहा, काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। ले आप नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है कल वेडनेसडे को, ये टेस्ट दोपहर 12 बजे से और रात को 12 बजे के बीच आप कभी भी लाइव आकर दे सकते हैं। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस टेस्ट को देने से पहले आप आइसोलेट हो जाइए, किसी भी डिस्टरबेंस से दूर रहिए। कोई बच्चा परेशान कर रहा है घर में, जो माहौल रहता है, कोई बगल में कुछ खा रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़कर जो एग्ज़ाम होता है वैसा आप फील कीजिए, वैसा एटमोसफियर क्रिएट कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।